डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा केसेस का नहीं है, गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री जी आज ज्ञान दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन करना चाहिए, जो उनका एक फेवरेट वर्ड है उत्सव करना चाहिए, उसकी बात आज कर रहे हैं। कहते हैं कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने नहीं निकलना चाहिए। कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से क्या होवत है। हमारे पास फरवरी में थर्ड ट्रायल हुआ वैक्सीन अवेलेबल था। दुनिया के और देशों से वैक्सीन हमारे यहाँ अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग थी। अगर आपने फरवरी में शुरू कर दिया होता वैक्सीनेशन और फर्स्ट डोज दे दिया होता और सेकेंड डोज आपने मार्च में दे दिया होता, तो आज जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली उनको अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आएगी, तो कितनी जाने हम बचा सकते हैं, वो नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो ये मोदी सरकार ने की, हमारे पास वैक्सीन था, अवेलेबल था, करोड़ों वैक्सीन आपने बाहर दे दिया या डोनेट कर दिया या बेच दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा था कि पहले अपने देश की चिंता तो करो, यहां तो वैक्सीन दो, तो दिल्ली हाईकोर्ट की बात नहीं मानी थी। आज हमारे देश ने बाहर एक्सपोर्ट किया था वैक्सीन और अब बाहर से वापस फिर, माने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली, ये कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अभी भी जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक स्पुटनिक वी रशिया का वैक्सीन यहां अप्रूवल के लिए आ गया, 1,00,000 डोज हमारे देश में आए हुए पड़े हुए हैं और हमारे लोग वैक्सीन के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खाएं? बाहर से अगर फाइजर कहता है, जॉनसन एंड जॉनसन कहता है या जो भी कहता है, जहां से मिले वहां से लेके तुरंत वैक्सीन सबको दे देनी चाहिए। और भारत सरकार ने जब बिहार का चुनाव था, वित्त मंत्री ने खुद कहा था कि हम देश में 100% फ्री वैक्सीन भारत सरकार देगी। अब क्यों राज्यों पे ठीकरा पोड़ रहे हो? अब क्यों राज्यों को कह रहा हो कि तुम जाके ढूंढो वैक्सीन, जब तुमने बाहर वैक्सीन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर के देशों में दे दिया और आज राज्यों के ऊपर आप ठीकरा पोड़ रहे हो? तो ये लिफाफोफी है और इन्हीं नीतियों की वजह से ये सुल्तान तुगलक जैसी नीति आज के सुल्तान दिल्ली में बैठे उनकी है, इसलिए लोग परेशान हैं।